friendship. For the honor of our school and glory of our sports. That's all. Thanks. जहां से आज के कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा और बिना किसी पद के हमेशा अपने क्षेत्र में संघर्षशील करके भारत सरकार की योजना खेलो इंडिया के लिए क्वालिफाई किया और अगले वर्ष पूरी संभावना है कि वे उसका ये अंग बन जाए। प्रतीक माना जाता था सूर्य की किरणें, बाद में परिस्थितियां बदल गई हैं, अब सूर्य की रोशनी से तो नहीं जलाते लेकिन मशाल जलाने की परंपरा आज भी पूर्ववत चली आ रही है। ये जलती हुई मशाल ऊर्जा का प्रतीक बनेगा। खेलने से हमारी पाचन प्रक्रिया में सुधार होता है और जो शारीरिक विकास कर रहे जो बालक हैं उनका शारीरिक विकास भी सही तरीके से होता है। आलस्य दूर भागता है, चित्त में प्रसन्नता। गुब्बारे आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए इस बात का संदेश दे रहे हैं कि यहाँ हमारे जितने भी छात्र खड़े हैं, खिलाड़ी खड़े हैं, इसी प्रकार अपने प्रदर्शन से आसमान की बुलंदियों को छूएंगे। ऐसे प्रतिनिधि का सानिध्य हमारे हम सभी को प्राप्त हो रहा है और इनके विद्यालय प्रांगण में आगमन पर पूरा विद्यालय परिवार अपने को हर्षित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो सभी गणमान्य अतिथि और हाथ में बैलून पकड़े हुए
देखिए बैलून को छोड़ दिया गया और इसके साथ ही खेलकूद से निर्माण होता है और हम लोग निर्माण में लगे लोग हैं। शिक्षकों का काम है कि कैसे बेहतर से बेहतर निर्माण हो। सारे बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं बने हैं, कुछ खेल के लिए बने हैं और खेलकूद से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और परिस्थिति बच्चों के सामने जब जीवन जीने चलेंगे उस समय अगर परिस्थितियां बिगड़ेगी भी तो खेल अगर बचपन में खेले रहेंगे तो उससे उनका मानसिक विकास हुआ रहता है और वो किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने की उनमें ताकत आती है। और आप एक बात देखे होंगे कि जो देश जितना विकसित है उसके यहाँ खेल का उतना ही विकास है। तो ये खेल कूद का सीधा सीधा हमारे देश के डेवलपमेंट से रिलेशन है और अगर हम सारे स्कूल संचालक और शिक्षक लगकर हम अपने बच्चों को खेल कूद के माध्यम से तैयार करें, उनका निर्माण करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो देश के लिए एक योग्य नागरिक बन सकते हैं। पिछले विगत 9 साल से हम लोग इसमें लगे हुए हैं और जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए बच्चों को, विद्यार्थियों को, तो कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है, उनके अंदर का टैलेंट निखरा और अब वो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। तो इसमें विद्यालय परिवार काफ़ी खुश है और हर्षित महसूस कर रहा। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी खिलाड़ी अगर खेल खेलता है तो वो भी एक तरह से देश का सेवा करता है, इसलिए खेल के माध्यम से भी सेवा का काम किया जा सकता है और खेल पे ध्यान दिया जाए तो निर्माण और भी बढ़ जाता है।